माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को महाराष्ट्र में और केंद्र सरकार को जवाब तलब किया है और प्रक्रिया के लिए आदेश पारित किया, किस आधार पर सरकार बनी, आपका इस पर क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं रहा, संविधान पर विश्वास उनका नहीं है। वो संविधान को अपनी विचारधारा के आधार पर चलाना चाहते हैं, कानून को अपनी विचारधारा के आधार पर चलाना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों में कायदा, कानून, न्यायालय, प्रक्रिया, इसकी सब अपनी अलग परंपराएं, अलग विधान हैं। प्रजातंत्र में चुनाव होता है, उसके बाद सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकार बनाने का जो तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उस तरीके से हट करके अपने तरीके से सरकार बनाने का जो षड्यंत्र हो रहा है, ये निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। और ये कोर्ट के उससे स्पष्ट हो जाता है, कोर्ट ने इस चीज़ को मान लिया, तभी तो कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आपने किस प्रक्रिया के आधार पर, हम लोग को नहीं, सारे देश को समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रक्रिया के आधार पर इस तरह की सरकार बन रही है, उसको कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। कोर्ट ने स्वतः उसे जवाब मांगा कि आप उसको दीजिए किस प्रक्रिया के आधार पर किए हैं, तो न्यायालय से निश्चित रूप से दूध का दूध पानी को पानी हो जाता।